विद्या जो ऊपर वाली पावर्स हैं, ऊपर वाली शक्तियां हैं, उनको जागृत करके व्यक्ति के भले के लिए उनका सदुपयोग करना तंत्र है। तंत्र सीधी बात, आपने एक बात कही कि हम सीधे आपको अपनी शक्तियों के साथ जोड़ते हैं, मैं कहता हूं कि तंत्र सीधा आपको उस ऊपर वाले के साथ जोड़ता है। जैसे बात वही फिर एक बच्चे को चलना सिखाते हैं माता पिता, जैसे वो चलने लगता है माता पिता कहाँ गायब हो जाते हैं, वो चलता रहता है। तंत्र से उन शक्तियों से कैसे काम लेना, कैसे अपना भला करना, दूसरों का भला करना, सभी सुखों को भोगना और भोगते भोगते उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चले जाना, मोक्ष को प्राप्त होना। जैसे मैं कह सकता हूँ कि तंत्र इह लोक से उस लोक तक पहुँचने की एक कला है। तंत्र भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से भोगते हुए मोक्ष तक जाने का एक सफर है। और दूसरी बात, इससे थोड़ा नीचे आ जाएं, तंत्र प्रत्येक वनस्पति में भी जीवन ढूंढता है। तंत्र प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ढूंढता है कि इसको ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा। आयुर्वेद भी कहीं एक तंत्र का रूप है। आयुर्वेद को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं तो वो भी तंत्र हो जाता है। जैसे कुछ जड़ी बूटियों को बांधा कहते हैं, सीधी धरती पे पैदा ना हो करके जब किसी दूसरे पेड़ों पर पैदा हो जाती हैं तो उनको बांधा कहते हैं। तो बांधा अलग अलग प्रयोगों के लिए किया जाता है, उसके अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग काम उनसे लिए जा सकते हैं। तंत्र ने खोज की कि हम दुनियादारी के व्यक्ति को सब चाहिए। मान लो मैं त्यागमयी हो गया तो मेरी पत्नी त्यागमयी नहीं हो रही, आप सब चाहेंगी, सब कुछ चाहिए, तो मैं उस ड्यूटी को भी पूरा करूं पर साथ में उसकी ड्यूटी को भी पूरा करूं, मैं बैलेंस रखूं। तो त्याग, झूठा त्याग, तंत्र दोस्तों उसको कायरता कहता है। तंत्र भागने की बात नहीं करता, तंत्र जूझने की बात करता है। तंत्र झुकाने की बात नहीं करता, झुकने की बात करता है। और झुकने के साथ साथ सत्या के आगे झुकना, और तंत्र देने की बात करता है, तंत्र लेने की बात नहीं करता। तंत्र प्रेम की बात करता है। तंत्र आपको जंगलों में जाने की बात नहीं कहता, तंत्र आपको तप करने की बात नहीं कहता, तंत्र आपको ऐसा नहीं कहता कि आप पत्नी से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो। तंत्र आपको पूर्ण राजयोग के साथ राज भोगते हुए उस परमपिता परमात्मा तक, उस प्रभु तक, ईश्वर तक कैसे पहुंचना है उसकी बात बताता है। और आपको इतना सुख दे देता है कि आपको सुखों से नफरत होने लगती है। तंत्र इतना कुछ आपको दे देता है, वो सब झूठा प्रतीत होने लगता है। हम कहते हैं माया झूठी है, संसार झूठा है। तंत्र कहता है नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कितने संत कहते हैं, रोज कहते हैं, तंत्र कहता नहीं, मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा। तो अनुभव कौन कराता है? साइंस। तो मैं ऐसा कहूंगा कि तंत्र विज्ञान के बहुत समीप है। तंत्र आपको अनुभवों से गुजरते 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 ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां सिर्फ आप हैं और परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है।